बुरहानपुर जिले के ग्राम झांझर में रहने वाले किसान प्रभु चरण को कपास का नकली बीज दुकानदार ने थमा दिया। किसान ने अपने खेत में बोनी कर बीज लगाया, लेकिन उग नहीं पाया, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिससे उसको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसान ने इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की है। बस स्टैंड क्षेत्र से किसान ने कपास की बोनी करने के लिए बीज खरीदा था, लेकिन 3 महीने बाद भी वे उगा नहीं, तो इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। किसान प्रभु चारण ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने कर्ज लेकर कपास का बीज वर्षा बीज भंडार से खरीद कर फसल लगाई थी, लेकिन यह फसल बर्बाद होने से मुझे करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मैं जब दुकान पर दुकानदार को बताने के लिए पहुंचा तो उसने मेरी सुनवाई नहीं की। इसके लिए मुझे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचना पड़ा और मैंने कलेक्टर भव्या मित्तल से लिखित में शिकायत करते हुए नकली बीज बेचने वाले दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। किसान ने आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि विभाग की ओर से खाद बीज दुकानों पर जांच नहीं हो रही है, जिस कारण दुकानदारों के हौसले बुलंद हो गए और वे अमानक तरीके के बीज भी बेच रहे हैं। जब इस पूरे मामले में कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की तो उन्होंने कहा कि किसान की शिकायत आई है, इसके आधार पर हमने कृषि विभाग के अफसरों को जाँच करने के निर्देश दिए है। यदि दुकानदार दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने इस बरसात जो बीज भंडार से भिजवा लिया था, उसने डुप्लीकेट भिजवाई मुझे दिया। मैंने मांगा था 659, उसने 639 दे दिया। पूरी भिजवाई खराब निकली, मेरे 3 एकड़ 4 एकड़ के 4 ठेली के कपास पूरा खराब निकली भिजवाई। मैं मजबूर हो गया हूँ। मेरे को भिजवाई थी आपकी है? कितने रुपए की भिजवाई थी आपकी? कम से कम 2.5 लाख का खर्चा हुआ है मेरे को। कब ली थी आपने वहाँ से? ये गर्मी के मौसम में ली थी, पानी की। कितना समय हो गया? कम से कम 3 महीने हो गए। फसल आई नहीं थी? कुछ भी जल के खाक हो गई पूरी। उसको बोलने गया, भाई ये भिजवाई ऐसी है तो उसको आके देख तो तेरे से बने वो कर ले, बोले देखने भी आया नहीं। अब कहाँ पहुंचे? शिकायत यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में किया, मतलब कि इसकी मेरा देने से मुआवजा दिलाया जाए और उस दुकानदार को ऊपर छील लगाया जाए। आज मैं मरा, मैं मेरे साथी तो और किसान भी मर जाएंगे इसमें, ये डुप्लीकेट भिजवाई से। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभु देवा चारण झांझर। मामला है, किसान ने शिकायत की कि नकली बीज दे दिया गया, उस कारण उसकी फसल खराब हो गई है, इसको लेकर क्या कहा? किसी भी सामग्री की क्रय के संबंध में हमारे कंज्यूमर राइट्स होते हैं, जिसकी ग्रीवेंस के लिए अलग से एक कोर्ट रहता है, वहां पर भी व्यक्ति जा सकता है और उसके लिए भी हम अपने लीगल एड दिलवाते हैं। साथ साथ में हमारे DDA के माध्यम से जहाँ पे भी जिसकी भी शिकायत आई है तो स्वयं भी जाके जाँच करेंगे।